हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कृष्ण श्रृंगार विद साक्षी। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं लड्डू गोपाल जी के लिए रुमाल से ड्रेस। मैंने पहले भी रुमाल से दो ड्रेसेस बनाई हुई हैं, तो ये जो हम ड्रेस बना रहे हैं लड्डू गोपाल जी के लिए फुल कवर वाली है। ये उनको पूरे को कवर कर देगी, जैसे हम लोग अलग से उनको ब्लैंकेट वगैरह पहनाते हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हम उसके लिए बना रहे हैं। इसमें हम एक पजामी भी बनाएंगे नीचे उनके लिए, जो पैंट बोलते हैं, गर्म पैंट। और ये रुमाल मैंने ये इस तरह के लिए हैं, ये बहुत सॉफ्ट रहते हैं और ये हल्के गर्म भी रहते हैं। ये देखिए, ये अंदर की साइड से बहुत हल्का हल्का सा जो गर्म रहता है ये वो है। तो चलिए बनाते हैं। बनाने के लिए हम इसको उल्टी साइड साइड से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, और ये ड्रेस मैं 4 नंबर गोपाल जी के लिए बना रही हूँ। इसको हमें यहाँ से 3.5 इंच रखना है। ये देखिए, हम 3.5 इंच रखेंगे और 3.5 इंच से ही हम इस तरीके से मार्क करते हुए जाएंगे। इसको हम इस तरीके से सर्कल में मार्क कर लेंगे। ये देखिए, पहले हमें रुमाल को इस तरीके से फोल्ड करना है और फिर हमें इसको यहाँ पर इस तरीके से 3.5 इंच पर गोल सर्कल, हाफ सर्कल जो बोला जाता है, उसको कट कर लेना है। तो चलिए पहले हम इसको कट कर लेते हैं। ये देखिए, हमने इसको इस तरीके से कट कर लिया है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा गोलाई डाल देंगे। ये देखिए, अब जो हमारा जैकेट का लुक आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। ये देखिए, ये पूरा ब्लैंकेट का काम करेगा। जब हम उनको इस तरीके से पहनाएंगे तो ये पूरा ब्लैंकेट का काम करेगा और ये उनको चारों तरफ से कवर कर देगा। और अभी हम यहाँ पर ऊपर की साइड भी इस तरीके से हल्का सा 1/2 इंच टाइप, देखिए, ये देखिए 1/2 इंच में हम लोग हल्का सा मार्क कर लेंगे। यहाँ पे हमें हल्की सी गोलाई डालनी है क्योंकि हमें इसी में ही कैप ऐड करनी है। ये देखिए, ये कटने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, यहाँ पर इस तरीके से राउंड और यहाँ पर इस तरीके से राउंड। तो चलिए अभी हम इसके लिए कैप कट कर लेते हैं। हम 4 नंबर गोपाल जी की बना रहे हैं तो हम कैप 2 इंच कर लेते हैं इस तरीके से। यहाँ से 2 इंच ही हम डेढ़ इंच हम इसको लंबा रखेंगे। तो हम यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर लेंगे। ये देखिए, और इसको यहाँ पर इस तरीके से कट कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने कट कर लिया है। और अब हम इसमें जो हमारा ये यहाँ पर जो ये सिलाई लगी हुई है ये हम फ्रंट साइड रखेंगे और जो ये नॉर्मल जहाँ से हमने कट किया है ये हम बैक साइड रखेंगे। और इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर इस तरीके से गोलाई दे देंगे ताकि जो हमने यहाँ पर ये गोलाई से कट किया हुआ है ये यहाँ पर इस तरीके से इजिली सिल जाए। तो चलिए अब हम इसको सिल लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर गोटा पट्टी ऐड करेंगे और वो लगा लेंगे। आप चाहें तो इसको यहाँ पर इस तरीके से मुड़ के सुई से भी कर सकते हैं या फिर आप मशीन से सिलाई लगा सकते हैं। ये देखिए, हम इसको चारों साइड से कवर करने के लिए ये गोटा लेस ले लेंगे और इसको हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर हम चारों साइड से ये यहाँ पर यहाँ तक पूरा इसको सिक्योर कर देंगे ताकि इसके ये धागे ना निकले। ये देखिए, हमने इसमें चारों साइड ये गोटा पट्टी ऐड कर ली है और ये देखिए पूरी फिनिशिंग आ गई। ये हमारा अंदर की साइड का है क्योंकि ये अंदर से बहुत सॉफ्ट है और ये हमारा बाहर की साइड का है। अब हम जो हमने कैप कट की है, कैप लेंगे और कैप को हम उल्टी साइड से यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए हम सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए, हमने ये जो बैक साइड हमारा था जहाँ पे हमने ये हल्का सा राउंड में कट किया था वहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। और अब हम इसको इस तरीके से देखिए सीधा कर देंगे तो ये एक कैप की शेप में आ जाएगा। देखिए, और अब हम इसको
जो हमने यहाँ पर ये कट लगाया है यहाँ पर इस तरीके से रख कर सिलाई लगा देंगे, ये देखिए, और ये बिल्कुल सीधा आ जाएगा। तो हमें ये कपड़ा सीधा, हमने जो ये नीचे का घेर कट किया है ये हमें सीधा रखना है और कैप भी हमें सीधी रखनी है, और हमें बस इसको यहाँ पर इस कॉर्नर से लेकर इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। और ये देखिए हमने इसमें इस तरीके से कैप ऐड कर ली है, और ये देखिए, और जब हम इसको कोट को पहनाएंगे तो ये कुछ इस तरह की शेप में आएगा। इसमें लड्डू गोपाल जी के हैंड्स और हेड सब कवर हो जाएगा, उनके हाथ भी अच्छे से कवर हो जाएंगे, उनका सर भी कवर हो जाएगा। और अब हम यहाँ पर वेलक्रो लगा लेंगे इसको चिपकाने के लिए। ये देखिए वेलक्रो के ये हमने छोटे छोटे दो पीस कट कर लिए हैं, और इनको हम एक को यहाँ पर इस तरीके से नीचे की साइड, ये हम थोड़ा नीचे से जगह छोड़ते हुए और ऊपर से जगह छोड़ते हुए हम ये सेंटर में लगाएंगे इस तरीके से। एक को हम इस तरीके से नीचे की साइड लगाएंगे और एक को हम इस तरीके से यहाँ पर अंदर की साइड लगाएंगे इस तरीके से बंद करने के लिए। ये देखिए, तो चलिए लगा लेते हैं। ये देखिए हमारी जैकेट एकदम बिल्कुल तैयार हो गई है, हमने इसमें वेलक्रो भी लगा लिया है, और ये इसमें कैप और ये नीचे की पूरी कवर जैकेट हो गई है। तो चलिए अब हम इसके लिए पैंट भी बना लेते हैं। पैंट बनाने के लिए हम जो सेम हमने रुमाल लिया था हम वही यूज़ करेंगे। देखिए पैंट बनाने के लिए हमें इसको, हम रुमाल को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। हमें जो ये कन्नी है हमारे जिस पे ऑलरेडी इंटरलॉक किया हुआ है वो हमें नीचे की साइड रखना है, ताकि जो हमारे नीचे के जो लड्डू गोपाल जी के लिए जो हम पैंट के पाइचे बनाएंगे वो ऑलरेडी तैयार रहेंगे। तो हम इसको इस तरीके से रख लेंगे, और ये देखिए इसकी लंबाई 3.3 के लगभग है, चल जाएगा, 3.5 हमें चाहिए था और ये 3.3 है तो चल जाएगा। और पैंट की लंबाई हम 3 इंच लेंगे, तो ये देखिए हम इसको यहाँ से सीधा कट कर लेंगे। ये देखिए ये हमने पैंट का कपड़ा कट कर लिया है, और पैंट बनाने के लिए सबसे इजी तरीका पैंट बनाने का यही है कि आप बस इस तरह से लंबा ले लीजिए, और ये हमने डबल में लिया है, और अगर हम डबल में इसकी चौड़ाई देखेंगे तो डबल में ये 6.6 इंच है और लंबाई में ये हमारा 3 इंच है। तो ये देखिए, और इसमें मैंने लगाने के लिए ये मैंने 2.5 इंच की रबड़ ली है, 2.5 इंच लंबी है ये, क्योंकि ये आधा इधर से भी जाएगा सिलाई में और कुछ इधर से सिलाई में जाएगा, तो हम इसको पूरा खींचने के बाद यहाँ तक हम इसको सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर सिलाई लगा के इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए हमने इसको खींच के सिलाई लगा लिया है, और ऊपर की साइड हमने ये थोड़ा छोड़ते हुए रबड़ डाला है, और अब हम इसको यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे, ताकि गोपाल जी को बिल्कुल कंफर्टेबल फील हो, ये रबड़ उनको चुभे नहीं। तो चलिए हम यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद हम इसको इधर की साइड से भी सिलाई लगा लेंगे, यहाँ पर एक ये एक स्कर्ट की तरह बन जाएगा। तो पहले हम यहाँ सीधा ऊपर की साइड सिलाई लगा लेते हैं, फिर नीचे इधर साइड में सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए ये अब एक स्कर्ट की तरह बन गया है, ये हमने ऊपर की साइड इलास्टिक डाला हुआ है और नीचे से ये पूरा ओपन है। अब हमने जो ये इधर साइड में सिलाई लगाई है, अब हम इसको इस तरीके से बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और इसको इस तरीके से करेंगे, और यहाँ पर हम 1 इंच के अंदर वी शेप में मार्क कर लेंगे। ये देखिए हमें बस यहाँ पर 1 इंच का मार्क करना है। ये देखिए आप इंची टेप से नाप के भी लगा सकते हैं। ये देखिए पूरा 1 इंच का हमने ये मार्क किया है, ये हमने हल्का सा वी शेप में किया है, इसको हम इस तरीके से बना लेंगे और इसी के ऊपर हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे, और ये गोपाल जी की पैंट तैयार हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर ये इस तरीके से वी शेप में सिलाई लगा ली है, और अब हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। ये देखिए ये हमने यहाँ से कट कर दिया है। अब हमने इसको पहले, हमने इसको इसलिए कट नहीं किया था, अगर हम इसको पहले कट कर देते तो
इसमें सिलाई लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता, और अब ये हमने कट कर दिया है तो इसमें अब अच्छे से पहले हमने सिलाई लगा दी है, अब ये बहुत इजी हो गया है और हमारी पैंट भी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको सीधा कर लिया है और ये हमारा पूरा फुल कवर सूट बनके तैयार हो गया है। तो चलिए गोपाल जी को पहना के देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने गोपाल जी को पैंट पहना दी है और देखिए गोपाल जी को पैंट एकदम बिल्कुल अच्छे से फिटिंग से आ रही है, ना ये बड़ी है और ना ही ये छोटी है, इनके दोनों पैर बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए अब हम इनको इनका कोट भी पहना देते हैं। और ये देखिए, हमने गोपाल जी को कोट पहना दिया है और गोपाल जी चारों साइड से इनके हाथ सब कुछ बिल्कुल एकदम से कवर हो गया है। और ये देखिए, कैप भी पहन ली है, जैसे हम लोग गोपाल जी को अलग से ब्लैंकेट उड़ाते हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हमने ये जैकेट गोपाल जी को पहनाई है। देखिए चारों साइड से एकदम अच्छे से कवर हो गए हैं। ये देखिए गोपाल जी एकदम बिल्कुल ठंडी में अच्छे से पैक हो गए हैं, पीछे की साइड से भी बिल्कुल फुल कवर हैं ये, और साथ में हमने पैंट बनाई है तो पैंट भी गर्म है, पैंट पूरे पैर भी कवर हैं इनके। और ये देखिए गोपाल जी पूरे कवर हो गए हैं। तो अगर आप चाहते हैं गोपाल जी को अलग से सॉल या स्टोल कुछ भी उड़ाने के बजाय, अलग से ब्लैंकेट उड़ाने के बजाय हम ये जैकेट बनाएं, तो गोपाल जी देखिए इनके पूरा हेड कवर है, सब कुछ कवर है, तो आप ये जैकेट ज़रूर बनाएं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, और ये आप किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। और थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।